ऑल इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव यूपी गोरखपुर से। आज क्यों आए, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग की यही नियमित है कि जो 2006 से हमारी आशा बहनों को जो प्रोत्साहन राशि पर रखा गया है, वो प्रोत्साहन राशि न देके एक नियमित उनको वेतन दिया जाए और राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा बहनों को 22,000 और आशा संगिनी को 26,000। लेकिन हम लोग कई बार आंदोलन किए, दिल्ली से लेके हम लोग लखनऊ, अभी अक्टूबर में भी हम लोग आंदोलन किए हैं, लेकिन पूरे देश की बात है कि अभी जो है सरकार मानने को तैयार नहीं है। और ये जो आंदोलन आज दिल्ली में हो रहा है, हम लोग एक संयुक्त आंदोलन कर रहे हैं, सारे संगठन आशा मिशन के सारे संगठन मिलके जो है, इसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अगर वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो फिर ये दीपावली और छठ पूजा के बाद जो है हम लोग का हर देश और प्रदेश में जो है और यूपी में भी लखनऊ जो है अनिश्चितकालीन हम लोग धरना करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं। क्या नाम है आपका? मैं निर्मेश त्यागी, मेरठ से मंडल अध्यक्ष। आज यहाँ पर कहाँ से आशा वर्कर आए हैं? पहले यहाँ से 25-30 प्रदेश से आशा वर्कर आई हैं अपनी मांग को लेकर। क्या मांगे आप लोगों की, क्यों आज इकट्ठा हुए? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जब हमसे काम इतना कराया जाता है तो हमें राष्ट्र कर्मचारी का दर्जा दो और न्यूनतम वेतन दो कम से कम। अगर राष्ट्र कर्मचारी का दर्जा आप नहीं दे पाते हो तो वेतन हमें ऐसा दो जीने लायक कि जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने आज आशा को ऐसा बंधुआ मजदूर बना लिया है कि आशा के कंधे पे हर काम ऐसा रहता है, चाहे वो एनएम का हो या संगनी का हो या किसी का भी हो, बीसीपीएम का हो, सबको आशा करेगी। आशा धरातल पर रहकर आशा को ऐसा बंधुआ मजदूर बना दिया कि आशा जीने लायक भी नहीं दे रही सरकार आशा को। ये और क्या मांगे हैं आप? कब तक धरना प्रदर्शन, एक दिन का है या आगे भी जाएगा? नहीं, यहाँ पे धरना एक दिन का ही, लेकिन हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंदा यादव जी, वो बोल रहे हैं कि अगर आज हमारी मांग इन्होंने नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान कर देंगे। आज आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मांगे हैं? आए हैं ये हमारी आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके आह्वान पे पूरे देश से आशा वर्कर्स यहाँ पे पहुँची हैं, सभी स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से, देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे हजारों आशाएं जो पहुँची हैं। हमारी मांग यही है कि 2005 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी, तब से लेके आज तक 17 साल हो गए हैं आशा वर्कर्स को काम करते हुए, वो स्वास्थ्य विभाग की बेहद महत्वपूर्ण सेवाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में और जनता के बीच में कड़ी का काम करती हैं और वो गांव की पहली डॉक्टर हैं एक तरह से, जो लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। लेकिन इन 10 लाख से ज्यादा जो वर्कर्स हैं, इनको सरकार वॉलंटियर कहती है और इनको कोई वेतन नहीं दे रही है, तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उनको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए और उनको तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाए। अभी कितना वेतन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? अभी केंद्र सरकार से कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। उसमें 8 एक्टिविटी फी 2,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, उसके अतिरिक्त कुछ और एक्टिविटीज है जिनका मिलता है, लेकिन मासिक जो मिलता है, एक तरीके से हम जिसको फिक्स कह सकते हैं, वो 2,000 रुपए केंद्र सरकार जो देती है। लेकिन आशाएं काम क्या करती है वो सारा देश ने देखा, कोविड के समय पे भी देश ने देखा कि किस तरीके से आशाओं ने न केवल स्क्रीनिंग की, उन्होंने पर्चे भी चिपकाए, क्वारंटीन रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया, उन्होंने पूरा जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी करवाया, तमाम तरह से लोगों के घरों पे, चाहे दवाइयां पहुंचाने का काम था, फल पहुंचाने का काम था, सर्वे, तमाम तरह के इतने ज्यादा काम आशाओं ने तभी भी किए। और उसके लिए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये कहना पड़ा अब भारत की आशाओं के लिए कि वो ग्लोबल हेल्थ लीडर है, उनको अवार्ड दिया गया। लेकिन काफी दुख और खेद की बात है कि हमारी जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन जो 10 लाख आशा वर्कर्स हैं, जो नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल का काम करते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन वर्कर्स को ना वो कर्मचारी मान रहे हैं, ना वेतन दे रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से वो बेगार करवा रहे हैं और इसी बेगार प्रथा के खिलाफ आज ये जंतर मंतर पे भीड़ उमड़ के आई है। क्या नाम है आपका? मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा।
पूनम है जिले में। आज हमारी यहाँ पे मांग है जी, एक तो न्यूनतम वेतन की, क्योंकि समाज सेविका वो दिलासा दे के हजारों काम करवाती है सरकार हमारे से। हम कह रहे हैं सरकार से हमें मजदूर मान लो, हम 24 घंटे काम करते हैं और हमें न्यूनतम वेतन दे दो। और हम 24 घंटे काम करते हैं, इस योजना के अंदर महिला है, हम सामाजिक सुरक्षा की भी मांग करते हैं। और सरकार ने पूरी दुनिया को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया, लेकिन आशा वर्कर आज भी इस योजना के बाहर है। ESI और PF की सुविधा की हम मांग करते हैं। आज के दिन जैसे मैं हरियाणा से हूँ, अभी हम 74 दिन की हड़ताल करके सरकार से कुछ थोड़ा बहुत लेके आए हैं, अपनी जीत हासिल की है हमने। 74 दिन तक हड़ताल रही हरियाणा के अंदर, जहाँ की हमने जैसे ही हड़ताल का ऐलान किया था तो इस BJP सरकार ने हमें बुला के हमारे उच्च अधिकारियों के मतलब इशारे पे, सरकार के इशारे पे उच्च अधिकारियों ने हमें बोला कि क्या चाहते हो, क्या किस लिए हड़ताल करते हो। वैसे ही हरियाणा में हम आशा वर्करों को सबसे ज्यादा देते हैं, क्या चाहते हो, बेशक हड़ताल पे बैठे रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। हम भी बोल के आ गए थे हमारी ताकत बताएंगे हम जो ले, ले, ले सकते हैं। हमने 74 दिन तक हड़ताल रही और इसी बीच में 5 बार सरकार से वार्ता हुई, इतने तर्क वितर्क हुए, उसके बाद सरकार ने हमारी 2100 रुपए की हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की और रिटायरमेंट बेनिफिट रुपए दिए सरकार में। इसमें हमने उस सरकार को झुकाया है जो हमें से बात नहीं करना चाह रही थी। और आज हम ये ऑल इंडिया की सतर पे जो आह्वान हुआ आशा वर्कर यूनियन का CIT की तरफ से, आज हमारी मांग है कि हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब हमारा काम बुनियादी है तो हमारा हमें न्यूनतम वेतन तो चाहिए ही चाहिए। और ये सरकार जो ढिंडोरा पीटती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको उसका हम पर्दाफाश करेंगे और आने वाले 2024 में हम इस सरकार को बाहर का रिश्ता दिखाएंगे। हम वोट की चोट से सरकार को जवाब देंगे। धन्यवाद। अगर वर्कर का दर्जा मिल जाए तो सारे सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था, वर्कर का दर्जा मिल जाए तो मैटरनिटी बेनिफिट, वर्कर का दर्जा मिल जाए तो अफसर कालीन पेंशन, अगर सारे मांग यही लेके हम लड़ रहा है। और यही है सबसे बड़ा मकसद जी प्रशासन का, लोगों को जिंदगी के खिलाफ, इंसानों का जिंदगी के खिलाफ इसका गंभीर साजिश आज तक हिंदुस्तान के कई सरकारी तरफ से इसका भयंकर रूप से मिल रहा है, इसको भी रोकना है। एक मिनट हम लोग कराए थे।